लड़कियां बढ़ जाने दे, पर नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, ये दूरियां मिट जाने दे, पर नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, दूर से ही तो जी भर के दे। Hey guys, welcome back to my channel Beauty Trends। मैं हूँ अरवा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वाला सॉफ्ट एंड ग्लैमरस मेकअप लुक फॉर योर करवा चौथ। लास्ट मेरा जो करवा चौथ मेकअप लुक था वो थोड़ा हैवी मेकअप लुक था, आई मेकअप भी उसका बहुत हैवी था, बट ये वाला बहुत ही सिंपल साइड पे है। मैं ये वाले मेकअप लुक में ना ही कोई फाउंडेशन यूज़ करी हूँ, ना ही कोई कंसीलर यूज़ करी हूँ। मेरा जो आई मेकअप है वो भी बहुत ही सिंपल वाला। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग को मालूम है आप लोग को क्या करना है, मेरी ये वीडियो को आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, एंड उसके पास में जो एक बेल आइकन है उसको भी हिट कर दे सो दैट अगली बार मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे ये मेकअप लुक की तरफ, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ मालियो का ग्लो स्किन इल्यूमिनेटर बेस एंड उसके साथ मैं लूंगी पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। ये दोनों को अच्छे से अपने बैक ऑफ द हैंड्स पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके मिक्स कर लूंगी एंड देन अपने फेस पे इसको डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर लूँगी। गाइज मैं यहाँ पर ये इल्यूमिनेटिंग बेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला लुक भी थोड़ा सा ग्लोई एंड ड्यूई चाहिए था। अगर आपको मैट लुक चाहिए हो और अगर आपको इल्यूमिनेटिंग बेस नहीं यूज़ करना हो तो आप सिर्फ पॉन्ड्स बीबी क्रीम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। देन मैं लूँगी एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड उससे अपना बेस मेकअप जो है ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए एंड मेरा बेस अच्छे से ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट मैं लूँगी पॉन्ड्स का बीबी क्रीम एंड उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एज अ कंसीलर एंड देन उसको भी अपने हैंड्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी मैं अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लूँगी मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपना बेस पूरा सेट कर लूँगी इससे मैं एंड अच्छे से सेट करने के बाद मैं लूँगी सिवाना क्लब कलर्स का अल्टीमेट ब्लश पैलेट एंड इसमें से ये काउंटोर शेड लूँगी एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छा सा चिजल्ड सा लुक दूंगी। गाइस कॉन्टोरिंग अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ अगर आपको थोड़ा स्लिम फेस और चिजल्ड लुक चाहिए आपके फेस पे तो फिर आप काउंटोरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ये पिंक कलर लूँगी एंड इसको एक ब्लश ब्रश की हेल्प से अपने अपल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी। गाइस ब्लश जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सो प्लीज़ डोंट स्किप इट। आप भले कॉन्टोर स्किप कर ले बट ब्लश ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ब्लश से जो है हमारे फेस पे थोड़ा सा कलर आता है एंड प्लेन नहीं लगता हमारा फेस। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये हाईलाइटर लूँगी एंड इससे अपना फेस हाईलाइट कर लूँगी। गाइज मैं मैक्सिमम यही पैलेट यूज़ करी हूँ, मैं अलग अलग पैलेट्स नहीं यूज़ करी हूँ सो बहुत ही लेस प्रोडक्ट्स से मैं ये वाला लुक क्रिएट करी हूँ। आई मेकअप के लिए भी मैं सिर्फ सिंगल पैलेट की हेल्प से ही क्रिएट कर लूँगी मैं पूरा आई मेकअप। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द आई मेकअप मैं यहाँ पर लूँगी ADS की आईब्रो पेंसिल। गाइस ये बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो एंड बहुत अफोर्डेबल भी है। ये आई थिंक 10 रुपीज़ में आ जाती है एंड ये बहुत नेचुरल कलर देती है आपके आईब्रोज़ को, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करती, बट ये ब्लैक पेंसिल ही है लेकिन ये एकदम डार्क ब्लैक नहीं करती है आपके आईब्रोज़ को। एंड देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक स्प्लूली की हेल्प से। नेक्स्ट मैं लूँगी सिजबिटी का अल्टीमेट प्रो पैलेट। गाइज ये वाला पैलेट शेड नंबर 2 है, लास्ट वीडियोस में मैं शेड नंबर 4 यूज़ करी हूँ एंड इसमें से ये मैं लाइट बहुत ही वाइट एंड लाइट पिंक जो आता है वो वाला शेड यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपनी ऑल ओवर लिट पर अप्लाई कर लूँगी। एंड नेक्स्ट सेम पैलेट की हेल्प से ये डार्क पिंक शेड लूँगी मैं एंड इसको अपने आउटर कॉर्नर एंड क्रीज एरिया पर अप्लाई कर लूँगी एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से। गाइज बस मैं ये दो ही शेड्स यूज़ करूँगी अपने आई मेकअप के लिए आज क्योंकि मैं इसको सिंपल बनाना चाहती थी। एंड नेक्स्ट मैं सेम शेड जो डार्क पिंक शेड था वो अपने लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर लूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर पर जो मैं लाइट शेड यूज़ करी थी वो यू ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लूँगी मेबेलिन का कोलोसल काजल एंड इससे मैं अपनी अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन टाइट लाइन कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं सेम हाईलाइटर लूंगी एंड इससे अपनी ब्रो बोन हाईलाइट करूंगी एंड अपने इनर कॉर्नर्स को भी इसी से हाईलाइट. एंड अब मैं अपने ऑफ कैमरा आईलैशेस अप्लाई कर लूंगी, फेक आईलैशेस. एंड उसको कोट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैट लुक का मस्कारा ताकि मेरी नेचुरल एंड फेक आईलैशेस मिंगल हो जाए. एंड देन मैं लैश बैंड हाइड करने के लिए अप्लाई करूंगी मालियों का आईलाइनर एंड इससे मैं थोड़ा सा विंग भी निकालूंगी बाहर एंड उसको अपने लोअर लैश लाइन से भी कनेक्ट करूंगी मैं विंग को. अब मैं लूंगी मियोन की लिप ब्लॉसम मैट लिपस्टिक एंड इसको अप्लाई कर लूंगी एंड नेक्स्ट मैं अपने लोअर लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करूंगी जो मैं भूल गई थी. एंड लास्टली मैं अपना मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से सेट कर लूंगी. सॉरी गाइज वो वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई थी. सो दिस इज द फाइनल लुक. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन पर हिट करना ना भूले. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय.